हाय एवरीवन, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा कमेंट इसलिए आ रहा है कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्रमोटेड या फेल हो चुके हैं और उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उन लोग का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कब आए होगा, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म कब फिलअप होगा। और दूसरी बात है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिनका भी जो पार्ट वन में फेल या प्रमोट स्टूडेंट हुए हैं, जो स्टूडेंट पार्ट वन में फ़ेल हो गए हैं या पार्ट टू में फ़ेल हो गए हैं या प्रमोट हो गए हैं, तो उन सारे स्टूडेंट को बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट पार्ट वन में, जिनका जो कि अभी पार्ट टू में है लेकिन वो फ़ेल हो चुके हैं पार्ट वन में, तो उनको सबसे ज़्यादा क्या क्या उनके माइंड में क्वेश्चन है वो हम सब कुछ बता दे रहे हैं। सबसे पहला कि उनका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कब फिलअप होगा, ठीक है। दूसरा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्योंकि वो तो ऐसे ही घबराए हुए हैं कि मतलब क्या सेमेस्टर वाइज हो जाएगा, कैसे क्या पास करेंगे, क्या करेंगे। तीसरा है कि कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा, मिड सेमेस्टर होगा कि नहीं होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं वो स्टूडेंट के जो फेल या प्रमोट हो गए हैं, ठीक है, पार्ट वन में। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस वीडियो को देखिए, सुनिए और आपको सारा आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद जितने स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कमेंट और शेयर बिल्कुल करना ही है। इसलिए नहीं कि ये कोई हम ऑर्डर दे रहे, नहीं, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि देखिए आप लोग के डिमांड पे ही वीडियो बन रहा है, तो आप लोग का भी काम होना चाहिए कि और भी स्टूडेंट जो परेशान हैं उनको हेल्प करें, ठीक है। सो प्लीज़ ऐसा करिए। और बाकी आपके कमेंट का मुझे वेट रहता है कि आप लोग और क्या डाउट है, क्या सवाल है। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं, अगर वो फेल हो गए हैं, प्रमोट हो गए हैं, प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, 6206609855 पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट वन के लिए अवेलेबल है। चाहे आप कॉर्नर्स हो, सब्सिडरी हो, कंपोजिशन हो, उससे ज़्यादा फिर नहीं आएगा। तो आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट लीजिए। अगर आप साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो जो बताएंगे वैसे पढ़िए, टॉप करिएगा, क्योंकि आप वही स्टूडेंट हो सकते हैं जो हमसे कभी नहीं पढ़े हैं, ये हमको 100% का गारंटी है। क्योंकि जो जिसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जो इस चैनल पे फॉलो किया है वो टॉप किया है, आप कम्युनिटी टैब पे जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बार रिव्यू दीजिएगा कि कब आप लोग इस चैनल को देखे हैं, ठीक है, ज़रूर दीजिएगा। देखिए आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म जनवरी में आ सकता है, मतलब इसका 99% चांस है कि जनवरी में इसका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा। आप लोग का एग्ज़ाम फरवरी में होगा, आप लोग का एग्ज़ाम फरवरी में होगा, इसका भी चांस 99% है, ठीक। अब ये जनवरी फरवरी में आएगा और इसका हम वीडियो बनाएंगे। अब आता है आपका कि एग्ज़ाम कैसा होगा, तो एग्ज़ाम का पैटर्न वही होगा, 10 MCQ और चार सब्जेक्टिव, जो कि एक MCQ दो नंबर का हुआ करता था, तो आपको ये हो जाएगा आपको 20 नंबर का, और एक सब्जेक्टिव 20 नंबर का, तो ये हो जाएगा 80, यानी कि टोटल 100 नंबर। और जिनका साइकोलॉजी, होम साइंस, फिलॉसफी ये सब था, जिसका प्रैक्टिकल था, तो वो तो एज यूजुअल मालूम था कि 70 नंबर का एग्ज़ाम और 30 नंबर का कॉलेज से मिलता था। तो सेम जिस पैटर्न पे आप एग्ज़ाम दिए हैं, जिस तरह से एग्ज़ाम दिए हैं, वही पैटर्न है, कोई बदलाव नहीं है। आप लोग के लिए अलग से फॉर्म आएगा, आपका वही वैसा ही सवाल आएगा, वही पैटर्न होगा। ना ही आपको कोई सेमेस्टर में जाना है, ना ही कुछ कहीं भी नहीं जाना है। लेकिन हाँ, प्लीज़ इस पर पार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो बैच के आप हैं वो बैच पूरी तरह से अब ख़त्म हो गया है, मतलब वो पूरा पुराना पैटर्न ख़त्म हो चुका है, सब कुछ न्यू आ गया है। इसलिए आप लोग अलग में हैं, इसलिए आप लोग का अलग से एग्ज़ाम हो रहा है, और एग्ज़ाम मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म और एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले अगर ऐसा होता तो क्या होता था कि पार्ट वन के जब बच्चे एग्ज़ाम देते थे तो उसमें जो प्रमोटेड या फेल हैं वो भी दे देते थे, बट अब तो ऐसा है नहीं, क्योंकि उन लोग का 8 सेमेस्टर और ये सब कुछ बहुत सारा बदलाव हो गया है। सो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पढ़िए, अभी नहीं पढ़िएगा तो मतलब ग्रेजुएशन कितने साल में करना है, पढ़िए और पढ़ के इसको निकालिए। जो स्टूडेंट अभी पार्ट टू में है और पार्ट वन वाला जो प्रमोटेड है, पार्ट टू में भी आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना है। पर पेपर 1900 रुपये है, दो मतलब 4 साल से हम गाइड कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और फेल प्रमोटेड भूल जाइए, पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। नहीं लेना है 32 पेज कैसे लिखना है, 1.5 घंटा लाइव ला के दिखाए हैं, सीखिए और खूब पढ़ के एग्ज़ाम को पास कर लीजिए प्लीज़। क्योंकि PPO खुद में एक बहुत ईजी एग्ज़ाम है, अब इसमें फेल प्रमोट होना बहुत गलत बात है। सो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। जो पूछना है कमेंट में पूछिए, हम बिल्कुल हेल्प करेंगे, शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में, लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में, लेकिन इस बार फेल या प्रमोट नहीं होना है।
ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।